मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि भाई किसी भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो कितना लगाना है, उसके तरीके तो होंगे, मेथड्स तो होंगे। यस, तो हमारे सामने मेथड्स हैं, दो मेन हैं इसके अंदर, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन यूज़ आते हैं वो दो हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में बेटा SLM मेथड भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है और है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, बात एक ही है। स्ट्रेट लाइन मेथड का शॉर्ट फॉर्म हो गया SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलो, एक ही चीज है। अब इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा वो बात करते हैं। सबसे पहले बोला मैंने इसको, इसको बोलते हैं SLM मेथड। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, उससे पहले समझो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कि इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है एवरी ईयर। जैसे मान लेते हैं कोई एसेट है, वो एसेट है 1 लाख रुपीज की, ठीक है, ओके, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो 10,000 पर मंथ है, अब पर ईयर है, या 20,000 रुपीज पर ईयर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000। तो देख रहे हो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, सेम है, 20 और 20 हो गए 40, और 20 60, और 20 80, और 20 कितने हो गए 1 लाख। इस तरीके से 1 लाख रुपीज़ की एसेट खत्म हो गई, यानी कि पहले साल 20,000 कम हो गई तो बच गई 80,000, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगने की वजह से 20,000 और कम हो गई तो बच गई 60,000, थर्ड ईयर में 20,000 का डेप्रिसिएशन और लगा तो अब हमारी एसेट की वैल्यू बच गई 40,000, फिर 20,000 फोर्थ ईयर और डेप्रिसिएशन लग गया यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो अब फाइनली हमारे पास 20,000 वैल्यू की एसेट बच गई, और फिफ्थ ईयर में 20,000 का वैल्यू और कम हो गया और डेप्रिसिएशन लगने की वजह से एसेट की वैल्यू हो गई 0, यानी कि एसेट खत्म हो गई। फिजिकली हो सकता अवेलेबल हो लेकिन इकोनॉमिकली या कॉमर्शियल पर्पज से वो एसेट अब कुछ काम की नहीं है। तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आप बोलोगे सर ये तो सही है, समझ में आ गया, हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल लगता है इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या क्यों बोलते हैं इसको, अगर इस डेप्रिसिएशन को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं, अगर ग्राफ पे दिखाऊं मैं इसको, ग्राफ बनता है ना उस पर अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे यहां अमाउंट ले लेता हूं मैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये अमाउंट ले लिए मैंने, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ईयर, मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 20,000, तो यहाँ आएगा। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है 20,000, ये रहा सेकंड ईयर, ये 20,000, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन 20,000, फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन 20,000, फिफ्थ ईयर में डेप्रिसिएशन 20,000, ये 20,000। तो अब अगर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो कैसी लाइन ड्रॉ होगी, अब अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसी लाइन ड्रॉ होगी, ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। डेप्रिसिएशन की इस लाइन को अगर मैं चार्ट पे शो करूं तो कैसी लाइन ड्रॉ होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन कैसी है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। So, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी एकदम लाइन है। सो उस वजह से इसका नाम पड़ गया SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दोनों मैंने रीजंस बता दिए कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं और इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज पर और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
दिस इज द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द वाइडली यूज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. देखो सबसे पुराना, अर्लीस्ट मतलब क्या हो गया बेटा, सबसे पुराना, और वन ऑफ द वाइडली यूज मेथड, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला मेथड है. ओके, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, इस मेथड में ये एजम्पशन ली जाती है ऑफ इक्वल यूजेस ऑफ द एसेट ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ. इसमें हम ये एजम्पशन लेते हैं कि हर साल एसेट जो है वो एक इक्वली यूज की जाएगी. फर्स्ट ईयर भी 20,000 यूज किया, सेकेंड ईयर 20, ऐसे हर साल इक्वल यूज किया जाएगा उसे. ऐसा नहीं होगा कि कभी ज्यादा यूज कर लिया, कभी कम यूज कर लिया, हर साल बराबर यूज करेंगे. ऐसा एजम्पशन, अनुमान, एस्टिमेशन हमने लगाया इस मेथड के अंदर, हम लगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स इंस्टॉल मेथड. मैंने अभी आपको बता दिया इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन रिमेन कंस्टेंट, क्योंकि डेप्रिशिएशन का अमाउंट जो है वो हर साल रिमेन कंस्टेंट एक जैसा रहता है, ईयर टू ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. जितने साल यूजफुल लाइफ होगी उतने साल डेप्रिशिएशन का अमाउंट कंस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इज चार्ज टू डेप्रिशिएशन एवरी अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट. ये मैं बता चुका हूं. द डेप्रिशिएशन ऑफ अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस मेथड इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला. डेप्रिशिएशन लगाने का यहां फॉर्मूला आपको दे रखा है. क्या फॉर्मूला है देखो, यहां पर साफ साफ है. डेप्रिशिएशन आपको निकालना है अगर अमाउंट में, रुपीज में. कैसे निकालना बेटा, रुपीज में. तो उसका फॉर्मूला ये रहा, कॉस्ट ऑफ एसेट. मान लेते हैं कोई एसेट है वो हमने खरीदी है, मान लेते हैं 120,000 में या 105,000 में, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ एसेट. ठीक है, माइनस करना एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है बेटा, मैं लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूं, याद है ना, नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था आपको अच्छे से. आई होप आपको अच्छे से याद होगा, नेट रेजिडुअल वैल्यू है ना, स्क्रैप वैल्यू. नेट रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वही स्क्रैप वैल्यू. सो स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं इसकी है 5,000 रुपीज. ओके सर, 5,000, ठीक है, माइनस कर देंगे. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ क्या है, मान लेते हैं 10 साल ये एसेट यूज आएगी, तो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय क्या कर दिया 10. तो अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, तो 1,05,000 माइनस 5,000 तो आ गया 1,00,000, डिवाइड कर दो 10 का तो यहां पर आ गया 10,000 रुपीज. ये क्या आ गया, ये डेप्रिशिएशन अमाउंट आ गया. और ये जो डेप्रिशिएशन अमाउंट है ये आपका है 10,000 रुपए, और ये डेप्रिशिएशन हर साल कितना लगेगा, 10,000 रुपए रहेगा. कितने साल तक, यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर. तो 10 ईयर तक एसेट में से 10,000 कम होते रहेंगे. ओके, एक और फॉर्मूला है इसमें, ये जो फॉर्मूला है नेक्स्ट, ये है कैलकुलेट करने का रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, कि भैया जो डेप्रिशिएशन की रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करें. तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन में क्या है, एनुअल डेप्रिशिएबल अमाउंट, कि हर साल जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो कितना है. सर हर साल डेप्रिशिएशन का अमाउंट जो है वो हमने यहां निकाला, ये रहा, हर साल डेप्रिशिएशन कितना लगाना, डेप्रिशिएशन, ये देखो मैंने इधर लिखा भी है डेप्रिशिएशन अमाउंट. तो डेप्रिशिएशन अमाउंट कितना, एनुअल मतलब हर साल, कि सर वो है 10,000. ओके, डिवाइड किससे करना है, एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब उस एसेट को जो हमने एक्वायर किया तो उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी. अब इस एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर हमने डेप्रिशिएशन का जो स्क्रैप वैल्यू है वो लेस कर देना है, क्योंकि वो हमारा पैसा कमाई हो जाती है बाद में ये मान के. तो एक्विजिशन कॉस्ट जो है बेटा वो 1,00,000 मानी जाएगी, और इनटू कर दो 100, तो कितना एक्विजिशन कॉस्ट 1,05,000 नहीं है, स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद की जो वैल्यू होती है उसको एक्विजिशन कॉस्ट माना है. अब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, ये 0 से ये 0 और ये बच गए 1, 2, 3, तो ये 3 गए, तो यहां बच गया 10, आंसर जाएगा परसेंटेज में, यानी कि 10%. तो 10% क्या आ गई, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन. अब इस मेथड की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा हम अकाउंटिंग की ओर बढ़ते हैं, और मैं बताता हूं आपको जनरल एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा.
अब आपको पता है जनरल एंट्री तो जनरल के फॉर्मेट में होगी, तो जनरल का फॉर्मेट बना देते हैं हम यहाँ पर, जनरल का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। सॉरी, डेट ठीक है। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी किसी भी एसेट को परचेज करने की, ठीक है। मान लेते हैं हम 1 जनवरी 2022 को कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं मशीन परचेज कर रहे हैं, तो जो भी एसेट परचेज कर रहे हो तो यहां आ जाएगा मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है तो डेबिट ही होगी, ओके। और कैश में परचेज करी है तो कैश आ जाएगा, उधार में परचेज करी है तो जो आपका सप्लायर है या जो आपका क्रेडिटर है उस पर्सन का नाम आ जाएगा। मान लेते हैं मैं कैश में परचेज करी, उधार में परचेज करी होती तो नेम आ जाता, इन केस ऑफ क्रेडिट जो वेंडर है जिससे परचेज कर रहे हैं उसको वेंडर बोलते हैं, वेंडर मतलब विक्रेता बेचने वाला, तो उसका वेंडर का नाम आ जाएगा। मान लेते हैं एक एसेट है हमने परचेज करी है फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज में, या फिर मान लेते हैं 1,05,000 रुपीज, ऐसे मैं मान रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट ऐसे मान रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ लिख देंगे मशीन परचेस्ड। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, मशीन परचेज करी है 1,05,000 में, स्क्रैप वैल्यू है उसकी आपके 5,000, तो और यूजफुल लाइफ है मान लेते हैं 5 ईयर, तो अब आप डेप्रिशन तो निकाल सकते हैं। डेप्रिशन का अभी मैं फॉर्मूला बताया था क्या था, डेप्रिशन इज इक्वल टू पहले वैल्यू ले लो 1,05,000, स्क्रैप वैल्यू लेस कर दो यानी कि रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ का। यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा, 10 ईयर नहीं है, सॉरी, यूजफुल लाइफ मानी मैंने 5 ईयर ताकि हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाए। तो 1,05,000 माइनस 5,000 आ गया 1 लाख, डिवाइड कर दो 5 का तो आ गया 20,000, तो 20,000 क्या आ गया आपका डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन रेट निकालनी है क्या, अगर क्वेश्चन बोले तो निकालनी है वरना हमको कोई इसकी जरूरत नहीं होती है, ओके। अब क्या होगा सर, जब ये ईयर एंड होगा फर्स्ट वाला ईयर एंड कब होगा, फर्स्ट वाला ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च या जनवरी में स्टार्ट हुआ है कैलेंडर ईयर माने 31 दिसंबर 2022, तो ईयर एंड पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक लॉस है इसलिए इसको करेंगे हम डेबिट, और इस डेप्रिसिएशन की वजह से जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। मशीन एक एसेट है, एसेट डेबिट होती है, बढ़ाना हो तो डेबिट करो और एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो, तो मशीनरी कम होगी तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट एज पर मॉडर्न रूल। कितने से 20,000 से डेप्रिसिएशन कितना है 20,000, यस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। एक एंट्री हमको और करनी होगी, ईयर एंड पे क्या होगा, इसी ईयर पे एंड में क्या होगा 31 दिसंबर 2022 को ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना इसको ईयर एंड पे एक पीएनएल अकाउंट बनता है फाइनल अकाउंट के अंदर, अभी हम सीखेंगे आगे चैप्टर है हमारे दो है, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हो गया या कोई खर्चा हो गया ना उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो ये जो डेप्रिसिएशन या डेबिट हुआ है ना इसको कर देंगे क्रेडिट ताकि ये डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाए, और ये जो लॉस है इसको हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको पीएनएल अकाउंट बोलते हैं शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा कितना 20,000, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये होगी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग। सेकंड ईयर की जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम मशीन तो बार बार परचेज करेंगे नहीं, हाँ सर, तो सेकंड ईयर की अकाउंटिंग क्या होगी, ये और ये दो एंट्री रिपीट हो जाएगी, थर्ड ईयर में होगी, फोर्थ ईयर में होगी, फिफ्थ ईयर में, ऐसे हर साल ये दो एंट्री क्या हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी,
देखो मैं करके बताता हूँ। तो अगला ईयर हमारा एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2023 को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। सर ऐसे एंट्री कितने साल करनी है? 5 साल तक। क्यों? क्योंकि यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर। सो मशीनरी कितना? ठीक है बेटा, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बचा रहा हूं ताकि फटाफट मैं एंट्रीज कर लूं। आप लिख देना डेप्रिशिएशन चार्ज और यहां पर ट्रांसफर वाली। पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। ये दो एंट्री 5 साल तक होती रहेगी। अगर बीच में किसी एसेट को बेच वगैरह दे तो अलग बात है, उसकी अकाउंटिंग अलग बताऊंगा। एक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लिख दो, थम्स अप भेज दो या नो प्रॉब्लम लिख दो। ट्वेंटी फोर में वही, ये थर्ड ईयर है हमारा। पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ओके यार। फोर्थ ईयर वापस डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हर साल डेप्रिसिएशन तो वही रहना है 20,000। फिर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ ईयर वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू मशीनरी अकाउंट और एक एंट्री और होगी इधर। कौन सी? एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी लास्ट ईयर के अंदर, मैं बता देता कौन सी। जो हमारी मशीन है ना उसको जब हम बेचेंगे ना लास्ट ईयर में पांचवें साल में तो हमको कुछ पैसे मिलेंगे। ये देखो भाई, जब मशीन खराब हो जाएगी और जब हम उसको बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 5,000। तो उसकी एक एंट्री होगी लास्ट में, हाँ उसकी एक एंट्री जरूर होगी। फिर हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा बैंक या कैश कर दो, शुरू में कैश किया तो अभी भी कैश ही रखो, बेच देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पैसा आएगा और मशीनरी जो स्क्रैप पड़ा है, रद्दी पड़ी है मशीन की, वो बेच रहे हैं कितने में? 5,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट ईयर में एक एक्स्ट्रा एंट्री होती है जब हम उस मशीन का जो रद्दी है उसको, यानी कि स्क्रैप जो है, रेजिडुअल वैल्यू है, जब उसको बेचेंगे तभी तो मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी? टू डेप्रिसिएशन, ये पीएनएल में ट्रांसफर करने वाले। बोलो आया समझ में? अब क्वेश्चन, इसके अलावा हमको और क्या बोल सकता है? एंट्रीज हमने सीख ली, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख लिया, अब क्वेश्चन हमको बोल सकता है भैया डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो वो कैसे बनाते हैं, आइए देखिए। अब जनरल एंट्री अगर आती है बेटा तो फिर उसके बाद में मशीन अकाउंट या कोई भी अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल एंट्री से लेजर है ना, वो हम कर चुके हैं कि जनरल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, वी नो वेरी वेरी वेल, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं, मान लेते हैं मशीनरी अकाउंट, फिर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देंगे।
ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट एंट्री देखो, मशीनरी अकाउंट बना रहे बेटा, है ना। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 1,05,000 से, कब, 1 जनवरी 2022 को, और टू कैश लिख देंगे। तो मशीनरी अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट में लिख देंगे, ये रहा मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड, 1,05,000, कब, 1 जनवरी 2022 बैंक या कैश जो भी है क्वेश्चन में, हो गया सर। फिर देखो बेटा और क्या है, और मशीनरी अकाउंट हो रहा है कहीं, 2022 वाले ईयर में देखना है, 23 वाला नहीं देखना है ना, ये ध्यान रखना। हाँ 22 के अंदर या मशीनरी क्रेडिट हो गया कितने से, 20,000 से, ऑपोजिट में क्या है, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर, तो क्रेडिट हुआ है कितने से, 20,000 से, कब हुआ, ईयर एंड पर, और ऑपोजिट में क्या है, डेप्रिसिएशन। इसके अलावा देखो बेटा 2022 के अंदर कहीं डेप्रिसिएशन डेबिट या क्रेडिट हुआ है, मशीनरी अकाउंट बना रहे ना, यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ नहीं आया, इसमें तो पीनल और डेप्रिसिएशन है, मशीनरी अकाउंट ना डेबिट ना क्रेडिट, ओके। फिर तो बेटा 23 स्टार्ट हो गया हमारा, अच्छा तो अब क्या करें, ये तो 2020 तो क्लोज हो गया, हाँ तो इसको क्लोज करो, इसका बैलेंस निकालो। अच्छा तो इस साइड की टोटल कितनी आ रही है सर, इस साइड की टोटल आ रही है 1,05,000, इधर की टोटल कितनी आ रही है, 20,000, तो सर कितना बच गया, 85,000। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर में, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी। ऐसे बैलेंस निकालते थे ना हम लेजर के अंदर, ये वही है, और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस सीडी जो बैलेंसिंग फिगर आया है, ये 22 का 2022 का क्लोजिंग बैलेंस है, 23 का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो ये बैलेंस आगे ट्रांसफर हो जाएगा इधर, क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, ओपनिंग 1 जनवरी 2023 को, टू बैलेंस बीडी कितना, 85,000। फिर क्या होगा, फिर देखो 2023 के अंदर दो एंट्री है, क्या ये दोनों एंट्री में कहीं मशीनरी है, हाँ फर्स्ट एंट्री में है, मशीनरी क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 20,000 से, सेकेंड एंट्री में तो नहीं हो रहा, फर्स्ट में हो रहा है, मशीनरी क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, 31 दिसंबर 2023 को बाय डेप्रिसिएशन। देख रहे हो हर साल मशीन क्या हो रही है, 2020 से कम, इसके बाद 20 वाला ईयर का भी हम क्लोज कर देंगे, इधर की टोटल 85,000, 85 में से 20 चले गए, 65 तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 65। अब ये बैलेंस यहां ट्रांसफर हो जाएगा 1 जनवरी 2024, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग क्या बन जाएगा, जैसे यहां आया था ना ऐसे कैसे ये यहां आ जाएगा, कितना, 65,000। सर फिर क्या होगा, फिर देखो 2024 के अंदर मशीनरी अकाउंट कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, हाँ यार ये 2024 की दो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से डेप्रिसिएशन नाम से, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। तो अब वापस वही बैलेंस निकाल देंगे, यहाँ के टोटल 65 में से 20,000 लेस हो जाएगा, तो बैलेंस बच जाएगा, उसको बोलेंगे बैलेंस सीडी, 55,45। और ये बैलेंस वापस क्या बन जाएगा, ओपनिंग, कब, नेक्स्ट ईयर में के ओपनिंग में, 25 के ओपनिंग में, टू बैलेंस बीडी कितना, 45,000। अब 2025 में देखिए मशीनरी अकाउंट कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, हाँ सर 2025 ये रहा, दो एंट्री है, एक तो ये है एक ये है, सेकंड एंट्री में हो रहा, देखो 25 की ये है, सॉरी दो एंट्री, ये रही एक, ये रही एक, ये रही, ये रही, यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 20,000 से, हो गई वो तो डेप्रिसिएशन की वजह से, 25 ईयर एंड पर बाय डेप्रिसिएशन, डेट आप एंट्री से देख सकते हैं, कितना, 20,000। अब 45 में से 25 लेस हो जाएगा, 20 लेस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 25,000। कैसे, बैलेंसिंग फिगर, 31 दिसंबर 2025 बाय बैलेंस सीडी,
और ये सी डी आगे जाके क्या बन जाएगा, बी डी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आगे जाके क्या हो जाएगा, ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। तो यानी कि 1 जनवरी 2026 टू बैलेंस बी डी, बी डी मतलब ब्रॉड डाउन, लाए वहां से, और कैरी डाउन मतलब इसको कैरी करेंगे आगे, कितना 25,000। अब लास्ट ईयर की जो एंट्रीज है वो तीन थी, उसमें देखो मशीनरी अकाउंट कहीं डेबिट क्रेडिट कुछ हुआ क्या? यस सर, ये रही फर्स्ट एंट्री। इसमें मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, कितने से? 20,000 से। क्यों हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। कितने से? 20,000 से। ओके, और सर, और देखो बेटा मशीनरी अकाउंट थर्ड में तो नहीं, सेकेंड एंट्री मशीन अकाउंट वापस क्रेडिट हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये मिले थे मशीन बेचने से, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो और क्रेडिट हो रहा है कितने से? 5,000 से। मशीन बेच दी थी तो बाय कैश, और तो है नहीं। अब इस बार बैलेंस निकालो, इधर की टोटल देखो कितनी आ रही है, 25, और इधर की टोटल भी कितनी आ रही है, 25। तो इस बार बैलेंस सीडी निकला ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर आया नहीं, दोनों टोटल इक्वल आ गए, यानी कि बैलेंस सीडी हो गया जीरो, यानी कि मशीन 25,000 की थी, उसमें 20 का डेप्रिसिएशन लग गया, 5,000 रुपये बेच के बेच दी, तो मशीन अकाउंट हो गया खत्म। बेटा बनाना हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट, नेक्स्ट बनाना हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट, आइए बना देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो अकाउंट मेन पूछता है ये क्वेश्चन के अंदर, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक एसेट अकाउंट। ये बहुत इजी अकाउंट है, बताऊं कैसे? आइए बताता हूं, एंट्रीज में देखेंगे। सबसे पहले देखो 22 के अंदर, हाँ 22 के अंदर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ये रहा फर्स्ट एंट्री में, यानी सेकंड एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000, और पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, मशीनरी, और डेट देख लो, ये एंड की डेट है, तो डेबिट हो रहा है कितना, डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 ईयर एंड पर, अपोजिट में कौन था, मशीनरी, तो पर्टिकुलर में आ गया मशीनरी अकाउंट, तो एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा था, तो मैंने डेबिट साइड में कर दिया इसको, ऐसे ही करते हैं लेजर के अंदर पोस्टिंग। फिर इस साल के अंदर लास्ट वाली एंट्री देखो 22 की, डेप्रिसिएशन को हाथों हाथ मैंने क्या कर दिया था, क्रेडिट, क्यों, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया, हाँ तो क्रेडिट कर दूं कब, 31 दिसंबर 2022 बाय पीएनएल अकाउंट, और ये ईयर हो गया खत्म। अब दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है, इक्वल, यानी कि बैलेंस आएगा ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर इसमें नहीं निकलेगा। हाँ नेक्स्ट ईयर देखो 23 के अंदर देखो, हर साल दो दो एंट्री होती रहेगी, 23 के अंदर देखो बेटा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, पहले तो डेबिट 20,000 से, हाँ ऑपोजिट में था मशीनरी, और फिर क्या किया होगा हमने, इसको ईयर एंड पे पीएनएल में ट्रांसफर किया था, ये देखो ये डेप्रिसिएशन लगा 23 में, फिर इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, तो हर साल हम ऐसे ही करते जाएंगे। हाँ तो सर बार बार देखने की जरूरत क्या है एंट्रीज को, ये तो हमको पता चल गया, पीएनएल को पूरा भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो समझ में आ गया, हर साल ऐसा ही होगा। हाँ तो सर हम सीधा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 24 में क्या होगा, वही टू मशीनरी, हर साल दो दो एंट्री होती रही है, डेप्रिसिएशन लगाया तो डेबिट किया, और पीएनएल में ट्रांसफर किया तो क्रेडिट किया, ऐसे कैसे 25 के अंदर, यानी कि फोर्थ ईयर के अंदर डेबिट कब किया होगा, जब डेप्रिसिएशन लगाया होगा, और क्रेडिट कब किया होगा, जब उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा, नेक्स्ट लास्ट ईयर वही डेबिट जब डेप्रिसिएशन लगाया होगा। आप एंट्रियों से करके देखोगे ना तो भी यही होगा, एंट्री को जब आप पोस्ट करोगे ना यहां पर, यही दो एंट्री आएगी,
इसका कोई बैलेंस निकलेगा ही नहीं। बस ये दो अकाउंट बनाने होते हैं।